खुशखबरी और खुशबख्ती सब के लिए है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन थे मंसूब, इसमें आज़म का नक्श तोहफ़तन दस्तियाब है। और आजकल पाकिस्तान और दुनिया में हर दूसरा तीसरा शख्स ये समझता है कि उस पर जनाब नजर बाज़ है, जादू टूना है। तो एक सदियों पुराना बखौर हमने मुतारफ़ कराया है, इस बखौर को जनाब मंगवा के आप अपने घर में रोशन करें। नजर बाज़ असेब और जनाब हर किस्म की बीमारी, सोते में जो बच्चे डर जाते हैं, शादी की रुकावटें और हर किस्म की नागानी फातो बिलियात से महफूज रहने के लिए और कसाइशकार के लिए बखौर बेहतरीन है। इसे मंगवा के इससे फैज़याब हों, ये एक बेहतरीन आपके लिए रूहानी तोहफा है। जो नीचे नंबर आ रहा है इस पर राबता करके इसे आप मंगवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। शाह जानी है कि वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम में आज के सितारे, ये सितारे ये काकिशा ये फलक राबल राय जिंदगानी। आज 6 मई और हफ्ते का दिन है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि आज ये चाँद किस मंजिल में है। तो चाँद आज हमें मंजिल ज़ुबाना में मिला जिसे बिसाख नक्षत्र कहते हैं और इससे अल्फ़ाबेट मनसूब है एन। एन से बड़े बड़े प्यारे अच्छे नाम बनते हैं और ये मंजिल रहेगी रात 8:41 तक। और चाँद फिर मंजिल अखलील में चला जाएगा जिसे अनुराधा नक्षत्र कहते हैं और ये तकरीबन को अगले 24 घंटे रहेगी रात 8:42 और इससे जो अल्फ़ाबेट मनसूब है वो है फे। मुलाजमीन का मानना है कि चाँद जिस बुर्ज में हो तो उससे भी नाम रखने चाहिए। तो चाँद आज रहेगा बुर्ज मैदान में दोपहर 2:51 तक। इससे मनसूब हैं हरूफ रे ते तोएं। और अकरब में चला जाएगा चाँद 2:52 पर दोपहर को और ये 2.5 दिन रहेगा। इससे जो अल्फ़ाबेट मनसूब हैं नून और ये हैं। और यूँ भी जनरली 2.5 दिन के लिए जब चाँद बुर्ज अकरब में आता है तो आइमा मैसूमैन की रिशादत हैं कि तब को नया काम खुशी का शादी ब्याह करना मुनासिब नहीं होता। तो इस वक्त जो भी काम किया जाए उसे सदका और खैरात दे के करने चाहिए। चाँद के बुर्ज मैदान में आने की वजह से जनाब इसका बालक चूँकि सितारा जोरा है, 7वां बुर्ज है, तो खुशी और शादबानी के मामलात में एक उजागर होते हैं। आप दूसरों से मिलना मिलाना, रिहायशी तज़ीन और आयश, ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी के मामला, तहफ़ देना, ख़रीद फरोख्त करना, परफ्यूम्स फलों के फूलों के जो जनाब दरख्त हैं लगाना और अपनी ज़िबाइश का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, तो ये हर लिहाज से एक अहम दिन है। रिश्ते नाते करने के लिए भी आज के दिन बेहतर है। तावक के कमर दर अकरब से पहले पहले ये सारे मामलत अंजाम दे लिए जाएँ। कमर दर अकरब चूँकि शुरू हो जाएगा शाम 4:52 पे, तो उसके बाद सभी कामों में बड़े एहतियात की ज़रूरत है। सदका और खैरात तब देना बाइस से बरकत है। और हम देखते हैं कि किन जॉडिक साइन के लिए आज एक अच्छा दिन है। तो आज हमें बुर्ज अमल, बुर्ज सरतान, बुर्ज मैदान और जदी वालों के दिन के लिए दिन बेहतर मालूम हुआ। जो मजीद बेहतरी है ये है जनाब बुर्ज सौर, बुर्ज असद, बुर्ज अकरब और दल वालों के लिए, लेकिन अकरब वालों के लिए 50-50 है चूँकि कमर दल अकरब शुरू हो जाएगा। और एहतियात के लिए मैं यह करूँगा कि बुर्ज जौज़ा, बुर्ज सुमला, बुर्ज कौस रूत वालों के लिए कदर एहतियात बड़ा दिन है। हम मजीद आगे देखते हैं कि आज आसमान पे चाँद ने और दीगर सितारों ने क्या नजरात बना रखी हैं। तो आज कमर का जनाब किरान है, उन्हें मैं दोबारा माफ़ी चाहता हूँ, कमर और नेपचून का जनाब आज तसनीस है, कमर और यूरानस का आज मुकाबला है, कमर और मरीख की जनाब तसनीस है और इसमें जनाब 2 नजरात अच्छी हैं और 2 जो हैं ये एक नज़र मुनासिब नहीं है। तो ख़ास तौर पे जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, बिजली की जो चलने वाली चीज़ें हैं उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखें, उनका चेक एंड बैलेंस मुनासिब ख्याल रखें, वरना मैकेनिकल चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में बेजा इस्तेमाल से ख़राबी। और अगर आपके घर में कुछ जनाब कोई शॉर्ट सर्किट ब्रेकर नहीं लगा हुआ तो बिजली के आने जाने से भी इन चीज़ों के मुतासर होने का ख़र्चा है। सेहत की अवेयरनेस के लिए मामला बेहतर होंगे और आपको कोई मसीहा डॉक्टर भी मिल सकता है, बशर्ते आपको उसकी तलाश हो। जहाँ आप अपना जिस्मानी इलाज करें वहाँ रूहानी इलाज की तरफ भी तवज्जो दें। सूरह फातिहा में बड़ी शफा है, 70 दफ़ा सूरह फातिहा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी मुर्दे पर भी दम पढ़ के दम की जाए तो बही दिल के उठ के जिंदा हो जाए।
मज़ीद हम देखते हैं कि आज कि मैंने लकी नंबर कौन से निकालने की सआदत हासिल की है। आज का मकसूमी नंबर है 9, 2, 9, 5, 6 और 8 जनाब आज आपके लकी नंबर्स हैं। इन नंबर्स को अलर्ट करके लॉटरी प्राइज बॉन्ड में आप इस्तेमाल करें। गुड न्यूज़ ये कि हमारे इदारे की बुक इनाम लकी नंबर आइना किस्म 2023 मार्केट में दस्तियाब है। इसकी हार्ड कापी आप ख़रीद के पढ़ सकते हैं और हमारी मुनज्जम जंजानी बिरादर की तरफ से पेशकश है कि हर माह लकी नंबर जो किताब है उसका एक चैप्टर महीने की मुनासबत से वो ताज़ा शुमारा जो आइना किस्मत का होता है मार्केट में दस्तियाब है। वरना जो नीचे नंबर आ रहा है मई का शुमारा भी आप मंगवा के इससे फैसयाब हो सकते हैं। इसमें भी लकी नंबर दिए हुए हैं। अल्लाह ताला के एक नाम है या शुक्र हो इससे 526 दफ़ा भला आखिर अला तला बरसात उसी भर के पढ़ें। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। अल्लाह ताला सब की आपकी नेमतों में इजाफा करे और तमाम पाकिस्तानियों की नेमतों में इजाफा करे। आज के लिए इतने शाज़ान जाने को इजाज़त दीजिएगा। बशरते ज़िंदगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।